नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया मिरर। राजस्थान में कांग्रेस की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। राजस्थान में कांग्रेस अभी तक विपक्षी पार्टी भाजपा और बागी विधायकों से पार पाने के लिए जूझ रही थी। राजस्थान में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का ड्रामा बागी विधायकों और कांग्रेस सरकार में देखने को मिला। कांग्रेस में 18 दिनों से चल रहे सियासी ड्रामे में अब बीएसपी की एंट्री हो चुकी है। बीएसपी की एंट्री से सीएम अशोक गहलोत की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। लगता है इस बार गहलोत सरकार नहीं बच पाएगी। रविवार को बीएसपी ने व्हिप जारी करते हुए अपने सभी विधायकों को कांग्रेस के खिलाफ वोट करने का आदेश दिया है। बीएसपी राष्ट्रीय सचिव सतीश चंद्र मिश्रा द्वारा जारी नोटिस में अनुच्छेद 10 की अनुसूची 2(1)(a) का हवाला देते हुए आदेश जारी किया गया है। बीएसपी पार्टी के सभी 6 विधायक विधानसभा सत्र में कांग्रेस के विश्वास मत तथा अन्य प्रकार की वोटिंग में कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग करेंगे। नियमों को हवाला देते हुए कहा गया है कि व्हिप के खिलाफ वोटिंग करने वाले विधायकों की विधानसभा परिषद सदस्यता समाप्त की जा सकती है। आपको बताते चले कि 18 सितंबर 2019 को बीएसपी के 6 विधायकों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हुए राजस्थान बसपा का विलय कांग्रेस में कर दिया था। बसपा राष्ट्रीय सचिव सतीश चंद्र मिश्रा द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी का राज्य स्तर पर विलय का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए बीएसपी राज्य स्तर की इकाई का कांग्रेस में विलय असंवैधानिक है। पार्टी के चिन्ह पर विजय सभी विधायक कानूनी रूप से अभी तक बसपा सुप्रीमो का आदेश मानने को बाध्य हैं। सत्र में पार्टी द्वारा जारी व्हिप को न मानने वाले सभी विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए पार्टी आदेश जारी कर सकती है। उधर भाजपा विधायक मदन दिलावर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी सचिव सहित सभी 6 बसपा विधायकों को भी पक्षकार बनाया गया है। हाईकोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई होनी है। वहीं सोमवार को बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा भी हाईकोर्ट में पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बसपा के विधायकों ने पार्टी को धोखा दिया है। माना जा रहा है कि बसपा भी अपने विधायकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। बसपा सुप्रीमो ने अपना फैसला सुना दिया है। अब देखना यह है कि राजस्थान में ऊंट किस ओर करवट लेता है। क्या बसपा के 6 विधायक अपनी विधायकी को खतरे में डालकर पार्टी के आदेश के खिलाफ जाते हैं? यदि जाते हैं तो उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, यह तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल लोगों की निगाहें हाईकोर्ट के निर्णय और राजस्थान विधानसभा सत्र बुलाने पर टिकी हुई हैं। सत्र के बाद ही राजस्थान में राजनीतिक असमंजस की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी, लेकिन विधानसभा सत्र बुलाने पर अभी भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि राज्यपाल कलराज मिश्र ने अशोक गहलोत की विधानसभा सत्र बुलाने की सिफारिश को दूसरी बार खारिज कर दिया है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, तथा मीडिया मिरर पर नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।